Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th January 2019. तो 20 जनवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. Before we start, these are the questions for you today. The first question is, one family one job scheme was launched by which of the following states? इनमें से किस स्टेट ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च की थी? ऑप्शंस आर उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम या तेलंगाना. So this is question number one. Question number two is, the nodal ministry for government e-marketplace is? Which is the nodal ministry for government e-marketplace? Options are Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Finance or Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Now question number three is, which of the following factors is our evidences of sea floor spreading? तो sea floor spreading ये geography में आपने पढ़ा होगा, NCERT में ज़रूर. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से evidences हैं sea floor spreading के. options are eruption of a molten material, magnetic stripes in the rocks of the ocean floor, ages of the rocks at mid ocean ridges. select the correct options. okay, तो इनमें से कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 दिए हैं options. now 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, or 1, 2 and 3 only. These are the 2-3 questions for you today, and you have to answer these questions in the comment section below. Please do try to answer. Now आज संडे है, दो न्यूज़ पेपर आए हैं, so let's start, and दोनों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. फ्रंट पेज में जो न्यूज़ डिस्कस करने योग्य है वो है यहाँ पे. Now did an asteroid hit South India millions of years ago? This is a new news item. और यहाँ पे एक रिसर्च चल रही है जिसका कहना है कि साउथ इंडिया का जो रीजन है वहाँ पे एक एस्ट्रॉयड हिट किया था जिसके कारण एक क्रेटर का रीजन क्रिएट हुआ है. Now let's understand that. देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज द लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे नीलगिरी एंड कोडाई कनाल लोकेटेड ऑन अ क्रेटर फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट. ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या नीलगिरीज और कोडाई कनाल के बीच का जो रीजन है उसको एक क्रेटर के द्वारा हिट किया गया था, वो क्रेटर से हिट हुआ था कि नहीं हुआ था. नाउ द साइंटिस्ट, टू साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट एंड दे हैव रिलीज्ड अ साइंटिफिक पेपर एज वेल. तो एक साइंटिफिक पेपर रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि यस, इट वॉज हिट बाय एन एस्टेरॉयड एंड इट फॉर्म्ड अ रीजन नेम्ड एज द कावेरी क्रेटर. नाउ यू कैन सी इट, इट इज द रीजन नेम्ड एज कावेरी क्रेटर. नाउ दिस इज पॉसिबली द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको याद रखना है कि कावेरी क्रेटर अगर पूछता है यूपीएससी में कि कावेरी क्रेटर वॉज इन न्यूज रिसेंटली, वॉट इज दिस? सो इट इज द एरिया बिटवीन नीलगिरी एंड कोडाई कनाल. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इट इज द एरिया बिटवीन नीलगिरीज एंड द कोडाई कनाल. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस. ओके, ये पूरा मैप आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे उसका माउंटेन्स और ये सब नाम लिखा हो, जैसे वहाँ पे ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, और यहाँ पे आपको कार्डमम हिल्स दिख रहा होगा, अनामलाई हिल दिख रहा है. ओके, तो ये सारे लोकेशंस नॉर्थ टू साउथ भी याद रखने लायक है. शेवराय, जावड़ी, ये सारे पलानी, कोडाई कनाल, ये सारे माउंटेन्स के नाम एक बार आप फिजिकल फीचर्स का जो मैप होता है इंडिया का वो खोल लीजिएगा, वहाँ पे इनके नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा. एंड ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा पूछ सकता है कि जावड़ी, शेवराय, इनको अरेंज करिए, अनामलाई, नीलगिरी और कार्डमम को अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ. तो ये वाले क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा. ओके, नाउ दीज टू साइंटिस्ट, इन्होंने नीलगिरी और कोडाई कनाल के बीच का जो रीज़न है उसको कावेरी क्रेटर बोला है. दिस इज़ द फर्स्ट फैक्ट विच वी नीड टू रिमेंबर कि नीलगिरीज और कावेरी और कोडाई कनाल के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है क्या, कावेरी क्रेटर एज पर दीज साइंटिस्ट. एंड दिस इज पॉसिबली द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ये दो साइंटिस्ट जो हैं दे हैव वॉन द राधा कृष्णन प्राइज 2018 फॉर द बेस्ट पेपर. ओके, तो इनको राधा कृष्णन प्राइज फॉर बेस्ट पेपर भी दिया गया है 2018 का. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कावेरी क्रेटर इज बिटवीन नीलगिरीज एंड कोडाई कनाल एंड बोथ द पालघाट गैप, जो पालघाट गैप है विच इज द माउंटेन पास एंड द धिम्बम घाट. तो धिम्बम घाट और पालघाट गैप बोथ आर द पार्ट ऑफ कावेरी क्रेटर. तो कावेरी क्रेटर रीजन किसके बीच का है, नीलगिरी और कोडाई कनाल के बीच का रीजन है. देन वहां पे और क्या क्या चीजें हैं कावेरी क्रेटर के अंदर, तो है पालघाट गैप जो कि माउंटेन पास है जो कि जहां से एंट्री होती है, देन धिम्बम घाट, बोथ आर द पार्ट ऑफ द कावेरी क्रेटर. तो दीज आर द फैक्ट्स. और ये जो एस्ट्रॉइड हिट किया था वो 800 मिलियन टू 550 मिलियन ईयर्स एगो हिट किया था. और एक और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूपीएससी की, कावेरी क्रेटर कैन बी विजुलाइज्ड ओनली थ्रू सैटेलाइट इमेजेस. ये भी याद रखिएगा, इट कैन बी विजुलाइज्ड ओनली थ्रू द सैटेलाइट इमेजेस, उसके अलावा नहीं आप देख सकते इसको. ओके, तो ये याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस कावेरी क्रेटर. नीलगिरीज और कोडाई कनाल के बीच का रीजन है, 800 मिलियन टू 550 मिलियन ईयर्स एगो हिट हुआ था ये एस्ट्रॉइड. देन दीज साइंटिस्ट हैव वॉन द राधाकृष्णन प्राइज 2018 फॉर दिस स्टडी. एंड बाकी आप एक जो टास्क आपको दिया है वो ये है कि आप फिजिकल फीचर्स को जो नीचे के माउंटेन्स हैं, जावड़ी, शेवराय, पालनी और कोडाई कनाल, अन्नामलाई, नीलगिरीज, कार्डमम, इन सबको अरेंज करिएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनका ऑर्डर जरूर याद रखेगा.
Now let's move to the next news item. Next news item is regarding the swine flu. Okay, swine flu in the capital, that is New Delhi, mein kaafi zyada spread kar rahi hai aur Rajasthan mein iske pehle swine flu ka kaafi zyada effect dekha gaya tha. To swine flu ko seasonal influenza H1N1 kaha jata hai. Yaad rakhega, it is seasonal influenza H1N1. Yaad rakhega, this is the task. Okay, to ye pooch chuka hai already. H1N5 pucha tha. H1N1 pooch sakta hai. To seasonal influenza ya H1N1, it's a self-limiting viral airborne disease. To viral disease hai, airborne disease hai. Okay, viral and airborne disease hai. Now यहाँ पे आपको symptoms दिख रहे होंगे, fever, headache, runny और stuffy nose, difficulty in breathing, blood stained sputum, sore throat, cough, diarrhea and vomiting, and other symptoms may include body ache and fatigue. Okay, so these are the symptoms for this seasonal influenza. ये याद रखेगा जरूर कि ये H1N1 है, okay? H1N1. तो और ये airborne disease है, self-limiting viral disease है, okay? यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा या H1N1 होता है वो कॉमनली स्वाइन फ्लू कहलाता है. दिस इज कॉमनली नोन एज स्वाइन फ्लू. एंड H1N1 हैज़ 3 कैटेगरीज. ओके, तो H1N1 जो होती है उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, ए बी एंड सी. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो दैट H1N1 हैज़ 3 कैटेगरीज, ए बी एंड सी. एंड ए बी कैटेगरीज जो होती हैं दे नीड होम केयर, वाइल कैटेगरी सी रिक्वायर्स इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन. ओके, याद रखेगा ए बी कैटेगरीज कैन बी ट्रीटेड बाय होम केयर, बट सी कैटेगरी H1N1 कैन ओनली बी ट्रीटेड बाय हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल इंटरवेंशन. तो दिस इज अनदर फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखेगा ये सारी चीज़ें. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आगे के पेजेस मूव करते हैं. संडे है तो आप जानते हैं कि एड्स ज़्यादा रहते हैं और काम की चीज़ें जितनी रहती हैं अपन वैसे भी छाट के पढ़ ही लेते हैं. ओके, सो उसके देखो पूरा ऐड, बड़े बड़े ऐड. ओके, नाउ CBI हैज़ फाइल्ड अ चार्जशीट इन व्यापम स्कैम केस. तो व्यापम स्कैम आप सबको पता होगा, एग्जामिनेशन में जो स्कैम हुआ था, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा स्कैम है ये. ओके, सो इसके अलावा तो कोई और ऐसी न्यूज़ है नहीं. लेट्स सी अदर न्यूज़ आइटम्स विच वी नीड टू डिस्कस. यू शुड मूव विद मी. ओके, now National Museum of Indian Cinema in Mumbai has been inaugurated and Prime Minister Modi has inaugurated this National Museum of Indian Cinema in Mumbai. तो ये मैंने 2-3 बार बता दिया है. गुलशन महल इसका एड्रेस है, गुलशन महल, एंड ये मुंबई में है. नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, याद रखिएगा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, गुलशन महल, मुंबई. ओके, तो दैट इज़ अनदर फैक्ट विच वी कैन रिमेंबर, ये भी याद रहेगा. आप now demolish the wall on jumbo corridor, this is what supreme court is telling a refinery. now the first important thing is that kaun si refinery address kya hai. to numaligarh, yaad rakhiyega numaligarh refinery, and this is in assam. okay, to numaligarh refinery and it is located in assam. to ye pehla fact jo humko yaad rakhna hai. now hua kya hai ki numaligarh refinery ne ek wall banayi thi, nearly 2.2 km boundary wall banayi thi. they erected this 2.2 km boundary wall and this was erected on a elephant migration corridor. तो एलिफेंट माइग्रेशन कॉरिडोर या फिर जंबो कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, वहां पे ये वॉल बनाई थी. तो दिस 2.2 किलोमीटर वॉल वाज क्रिएटेड, वाज इरेक्टेड. नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द वर्डिक्ट दैट यू नीड टू डिमोलिश दिस वॉल. ओके, तो यू नीड टू डिमोलिश दिस वॉल, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट. एंड ये एड्रेस जरूर याद रखिएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, एंड दिस इज इन असम. एंड इसके अलावा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, सब आपको पता ही होगा. ओके, एनजीटी के बारे में दिया था, एनजीटी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, कई बार मैंने बता दिया. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. आगे की न्यूज़ को देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़. सो द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज रिगार्डिंग NTC आई थिंक. ओके, यस, नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिगार्डिंग NTC. तो यहाँ पे हम NTC के बारे में सारी डिटेल देख लेते हैं एक बार. ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. Now this National Tiger Conservation Authority was established in December 2005. Remember that it was established in December 2005 and it was done following a recommendation of the Tiger Task Force. Okay, तो Tiger Task Force ने recommendation दिया था and उस recommendation के बाद 2005 में National Tiger Conservation Authority बनाई गई. National Tiger Conservation Authority बनाई गई. Now this Wildlife Protection Act of 1972, जो Wildlife Protection Act 1972 का है, it was amended to provide for this NTCA. इसको amend किया गया, उसके अंदर ये NTCA के बारे में बताया गया. एंड दिस NTCA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर. ओके, तो प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NTCA के अंदर आती है. और NTCA ही है जो कि स्टेट्स के द्वारा बनाए गए प्लान्स को अप्रूव करता है और फ्रेमवर्क बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है कि किस तरीके से टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाने हैं. Now this National Tiger Conservation Authority is set up under the chairmanship of Minister of Environment and Forest. Okay, तो जो NTCA होता है वो सेटअप होता है किसके चेयरमैनशिप के अंदर, द मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपन ने डिस्कस कर लिए.
पहला कब बना था? दिसंबर 2005 में. ओके, रिकमेंडेशन ऑफ अ टाइगर टास्क फोर्स. 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया था इन ऑर्डर टू इंक्लूड फॉर दिस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ओके, देन इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. दिस इज अनदर फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट. देन इट अप्रूव्स द गवर्नमेंट प्लान्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन. इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स. इट प्रिपेयर्स द रिपोर्ट टू बी लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट. ओके, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? NTCA करता है. ना, प्रोजेक्ट टाइगर की बात हमने की तो इट वॉज लॉन्च इन 1973. याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973 एंड NTCA एट प्रेजेंट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर MOEF. ओके, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि हमने देखा कि एक्ट के अंदर उसको डाल दिया गया है एंड इट्स द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर MOEF. और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में लॉन्च हुआ था. ओके, लेट मी शट डाउन द नेटवर्क फर्स्ट. ओके, तो लेट मी शट डाउन दैट. ओके, नाउ 2-3 नेम्स केम इन दिस. ओके, तो इस न्यूज आइटम में 2-3 नाम और आए थे, उनके लोकेशंस देख लेते हैं. तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व का नाम आया, तो रिमेंबर दैट बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज इन कर्नाटका. ओके, कर्नाटका में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व. एंड इसके अलावा नगरहोल का नाम आया, नगरहोल इज ऑल्सो इन कर्नाटका. देन मधुमलाई एंड सत्यमंगलम आर इन तमिलनाडु. मधुमलाई एंड सत्यमंगलम आर इन तमिलनाडु एंड वायनाड आर इज इन केरला. ओके, तो वायनाड इज इन केरला. सो दीज आर द लोकेशंस, रिमेंबर दैट. नगरहोल कर्नाटका, मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु एंड वायनाड इन केरला. तो ये लोकेशंस है, बांदीपुर आपका कर्नाटका. तो रिमेंबर दीज लोकेशंस. NTCA के बारे में आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. नाउ द रूट कॉज ऑफ करप्शन. दिस इज एन आर्टिकल रिटन बाय तबीश खैर. ओके, तबीश खैर ने लिखा है. तो इसमें एक जो फैक्ट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? इट्स अ ग्लोबल एंटी करप्शन कोलिशन. रिमेंबर दैट इट्स अ ग्लोबल एंटी करप्शन कोलिशन. एंड रिसेंटली रैंक निकाली थी 2017 में इन्होंने. इट रिलीजेस रैंक ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज एंड ऑल. उसमें एक जो रैंकिंग थी उसमें इंडिया 81 आउट ऑफ 180 थी. इंडिया वॉज 81st रैंक पे थे इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज. और जो ये रैंकिंग कहलाती है तो इसको कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. ओके, सो दिस रैंकिंग इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है, तो वो निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 81 आउट ऑफ 180 थी एंड दिस वॉज रिलीज इन 2017. 2017 की रैंकिंग है, याद रखिएगा. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल एंटी करप्शन कोलिशन. और उसमें जो लीस्ट करप्ट नेशंस थे उसमें न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज थी. ओके, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अगर कोई पूछता है तो याद रखेगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. इंडिया रैंकिंग 81 आउट ऑफ 180 इन 2017. ओके, तो इन्होंने यही बोला कि जो चैज्म है रिच एंड पुअर के बीच का, वो सबसे बड़ा रीजन है. और एक बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है अगर आपको करप्शन खत्म करना है. तो ये जो रिच एंड पुअर के बीच का डिवीजन है इसको कम करना चाहिए, तभी जाके करप्शन कहीं खर्च कम हो सकता है. दिस इज द सजेशन ऑफ द ऑथर. ओके, सो लेट्स सी कि और क्या है. अब ये जो आर्टिकल है यहाँ पे, इन वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट पोर्ट सिटीज, तो बेसिकली ये हड़प्पा मोहन जोदड़ो के अंदर लोथल के बारे में बताया गया है. तो याद रखिएगा, लोथल वॉज द डॉकयार्ड ऑफ द हड़प्पा एंड मोहन जोदड़ो सिविलाइजेशन. तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था या जो पोर्ट सिटी थी वो थी लोथल. लोथल इज इन गुजरात. याद रखिएगा, लोथल जो है वो गुजरात में है. ओके, सो लोकेशन याद रखिएगा. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. आगे कोई न्यूज़ है क्या? देख लेते हैं. ओके, सो यस, इन दिस न्यूज़ आइटम बेसिकली साइंटिस्ट के नाम आए थे. तो एक तो मैं आपको होमवर्क ही दूंगा. यहाँ द बिग थ्री साइंटिस्ट, जो इंडिया के बिग थ्री कहलाते हैं, वो हैं CV रमन, SN बोस एंड MN साहा, मेघनाथ साहा. ओके, तो SN बोस, CV रमन एंड MN साहा. तो आपको ये बताना है कि इन तीनों ने क्या क्या काम किए थे. यू हैव टू टेल मी द वर्क दे हैव डन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. रमन इफेक्ट अगर आप लिखते हैं तो रमन इफेक्ट क्या होता है वो ही बताइएगा, क्योंकि UPSC पूछ सकता है रमन इफेक्ट के बारे में पूछ सकता है. मेघनाथ साहा ने क्या काम किया था, SN बोस ने क्या काम किया था. इसमें एक और साइंटिस्ट का नाम है UN ब्रह्मचारी. तो UN ब्रह्मचारी बेसिकली ही डिवाइस्ड अ ड्रग नेम्ड यूरिया स्टिबामाइन. ओके, याद रखिएगा, यूरिया स्टिबामाइन. This was the drug released by UN Brahmachari which saved thousands of lives from parasitic disease कालाजार. ओके, कालाजार से प्रोटेक्शन देता है यूरिया स्टिबामाइन. तो ये नाम पूछ सकते हैं यूरिया स्टिबामाइन का. एंड इट वॉज किसने इसको डिस्कवर किया था, UN ब्रह्मचारी ने बनाया था इसको. एंड दिस वॉज सेविंग थाउजेंड ऑफ लाइफ फ्रॉम द पैरासिटिक डिसीज कालाजार. तो कालाजार इज अ पैरासिटिक डिसीज, एक तो ये फैक्ट मिला. देन यूरिया स्टिबामाइन ड्रग का नाम मिला, UN ब्रह्मचारी का नाम मिला. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो अपने को इस न्यूज आइटम से मिले. लेकिन बिग थ्री CV रमन, SN बोस और MN साहा ने क्या किया था, ये आप मुझे बताएंगे. सो यू विल टेल मी दैट ऑल दिस थिंग. ओके,
ना अब इसके बाद यहाँ पे तो कोई न्यूज़ नहीं थी खास, एंड देन वी केम टू द नॉन फिक्शन पेज. ओके तो लेट्स मूव टू द पेपर टू, जो इसका न्यूज़पेपर टू है उसमें देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आई है. फर्स्ट इज़ वाइब्रेंट गुजरात. तो वाइब्रेंट गुजरात जो सबमिट है उसके बारे में ये फैक्ट्स पहले देख लेते हैं अपन. ओके तो वाइब्रेंट गुजरात इज़ बेसिकली अपना 2003 में स्टार्ट हुआ था. तो वाइब्रेंट गुजरात समिट वॉज कंसेप्चुलाइज इन 2003 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु वॉज द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. तो पहले जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब 2003 में उन्होंने ये कंसेप्चुलाइज किया था. एंड ये क्यों किया गया था? टू री एस्टेब्लिश गुजरात एज द प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. तो गुजरात को एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये काम किया गया था. ओके एंड ये जो समिट है ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन एजेंडाज ऑफ ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग एंड फोर्जिंग इफेक्टिव पार्टनरशिप्स. ओके तो अच्छी अच्छी पार्टनरशिप बनाने के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या और प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. कंट्रीज़ के लोग आते हैं, बिजनेस से लोग आते हैं, मीटिंग्स करते हैं वहाँ पे, एंड दे डिवाइस आइडियाज़ एंड और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को. नाउ व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ वाइब्रेंट गुजरात 2019? सो बेसिकली द फोकस इज ऑन स्टेम टेक्नोलॉजी. स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. ओके सो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, स्टेम के ऊपर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के ऊपर. देन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, यस, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें की गई. देन पोर्टलेट डेवलपमेंट, जो सागरमाला पोर्टलेट डेवलपमेंट, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की गई. देन स्ट्रेटेजीज टू स्टेबलाइज एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ट्रांसशिपमेंट हब फॉर एशिया एंड मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ों की बात की गई. दीज वर द हाईलाइट्स ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019. ओके उसके अलावा जो एक दूसरी चीज़ जो हमको डिस्कस करनी वो है साउथ अफ्रीका के साथ. तो साउथ अफ्रीका पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया. इंडिया इज़ रैंक्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन अफ्रीका. याद रखिएगा, इंडिया इज रैंक्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन अफ्रीका. एंड इंडिया हैज़ अकॉर्डेड फ्री टैरिफ प्रेफरेंस DFTP स्कीम टू 38 अफ्रीकन कंट्रीज. फ्री टैरिफ प्रेफरेंस हमने दी है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, 38 अफ्रीकन कंट्रीज़ को. ओके एंड ये एक और चीज़ है कि इंडिया है दैट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका. ओके तो इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका, ये सारी चीज़ें हमने बताई गई. एंड हमको और ज़्यादा चीज़ों में इनके साथ कोलैबोरेट करना है, फॉर एग्जांपल केमिकल्स, फार्मा में, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और आईटी सेक्टर में. तो हमको पूरी तरीकों से इनमें अफ्रीका के साथ ज़रूर कोऑपरेट करना है, कोलैबोरेट करना है. ओके पहले ही महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला के बारे में हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे कल्चरल टाइज भी हैं अफ्रीका के साथ, सो वी हैव टू स्टार्ट दैट. ओके फॉरगॉटन इन अ फील्ड अवे, यहाँ पे यूसुफ शाह चक के बारे में है. तो यूसुफ शाह चक, ही वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर फ्रॉम 1579 टू 1586. याद रखिएगा, ही वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर फ्रॉम 1579 टू 1586 एंड वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटिव रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर इन, तो याद रखिएगा. ओके एंड यूसुफ शाह चक के बारे में अगर कोई पूछता है तो ही वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर फ्रॉम 1579 टू 1586, ऐसा लिखा गया है. तो इसको याद रखिएगा. ओके दिस इज अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर. देन यहाँ पे अराकू वैली का नाम आया. तो अराकू वैली मैंने कई बार बताया है, अराकू वैली में अराकू बैलून फेस्टिवल होता है, अराकू बैलून फेस्टिवल. तो अराकू वैली है कहाँ पे? इट्स इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके अराकू वैली विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके तो याद रखिएगा, दिस इज अनदर फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट, ये याद जरूर रखिएगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की न्यूज देख लेते हैं. अब यहाँ पे गॉड्स ओन कंट्री के बारे में बताया गया. तो गॉड्स ओन कंट्री कौन सी है? केरला है. ओके केरला है गॉड्स ओन कंट्री. ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो केरला को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफ दिख रही है, इट इज़ रिलेटेड टू द कथकली डांस. ओके तो कथकली डांस से रिलेटेड है ये. ओके उसके अलावा बहुत सारे आपके पपेट्री के भी चीज़ें होती हैं. तो कौन सी पपेट्री होती है केरला में, ये आप मुझे बताएंगे. विच पपेट्री इज देयर जो कि केरला में होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मुजरी स्पोर्ट है आपके केरला में, ही मुजरी स्पोर्ट है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. देन चाइनीज फिशिंग नेट, जो आपको लिखा हुआ चाइनीज फिशिंग नेट, इसको केरला में चीना वाला बोलते हैं. ओके तो चीना वाला इज द नेम गिवन टू द चाइनीज फिशिंग नेट्स देयर. देन वहाँ पे कयाल्स हैं, कयाल्स बैक वाटर जिसको बोलते हैं, कयाल बैक वाटर. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं. कायाकिंग यानी बोट रेसिंग, कायाकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. ओके एंड कथकली हमने देख लिया. देन मोहिनी अट्टम इज द डांस फॉर्म ऑफ केरला ओनली. तो मोहिनी अट्टम भी केरला में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन कलरीपयत्तू इज अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट जो कि केरला से रिलेटेड है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलरीपयत्तू. ओके सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, जो कि इसको गॉड्स ओन कंट्री, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. मतलब आई हैव बीन
to Kerala and really it's one of the most beautiful places I have ever been. मतलब in fact ऐसा था कि केरला में when I was traveling in my car when I was traveling, so it was the most beautiful aspect of the entire Kerala. मतलब मुझे कहीं रुकने में मज़ा नहीं आया, मुझे कहीं बैठने में मज़ा नहीं आया. उतर के ऐसा नहीं कि उतर जाओ तो आपको मज़ा आए. The beauty of Kerala lies in the journey, not in the destination. Okay, तो आप जब वो journey आप करते हो, आप जब घूमते हो और आप जब valleys देखते हो और जब आप hillocks देखते हैं वहाँ पर आप खड़े होते हैं, then it's amazing, such an amazing place to watch. Okay, so you must visit there. And it's such a great place. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, कलरी पयत्तू हो, या आपका कयाल्स यानी कि बैक वाटर्स जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो सारी चीज़ें हो, मुजरिस पोर्ट भी मैंने आपको बताया, देन गॉड्स ओन कंट्री तो है ही, वो उसको बोलते ही हैं. तो ये सारी चीज़ें आप दोबारा एक बार सुन लीजिएगा और इनको याद करके रखिएगा. नाउ ट्रंप एंड किम विल मीट अगेन, तो ये ज़्यादा न्यूज़ आइटम खास था नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ बताना कि पहली बार जब मिले थे वो सेंटोसा आइलैंड में मिले थे. रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेस, दे वर मीटिंग इन सेंटोसा आइलैंड. जो पहली मीटिंग हुई थी इनकी सेंटोसा आइलैंड में हुई थी, वो सिंगापुर में है. तो दैट इज द फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उसमें पूछ सकते हैं कि सेंटोसा आइलैंड कहाँ पर है. तो रिमेंबर दैट सेंटोसा आइलैंड इज इन सिंगापुर, सो दे कैन आस्क दैट क्वेश्चन. है ओके, सो ये भी याद रखिएगा. Now let's move to the next news item. देखते हैं आगे की न्यूज़ आइटम क्या है. ओके, सो दिस इज द न्यूज़ आइटम. ओके, चेतक ऑन द ट्रॉट. सो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है सारंग खेड़ा विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ तापी रिवर. ओके, तापी रिवर. सारंग खेड़ा इज अ प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ तापी रिवर, और ये जो है ये महाराष्ट्र में. ओके, इट इज इन महाराष्ट्र, एंड यहाँ पे एनुअल हॉर्स ट्रेडिंग फेयर होता है. एनुअल हॉर्स ट्रेडिंग फेयर इज बींग सेलिब्रेटेड देयर, यहाँ पे होस्ट किया जाता है. इसको सारंग खेड़ा चेतक फेस्टिवल बोलते हैं. सो इट इज नोन एज सारंग खेड़ा चेतक फेस्टिवल. सारंग खेड़ा मैंने आपको बताया तापी रिवर के किनारे है, एंड तापी रिवर के किनारे ये महाराष्ट्र में है. तो सारंग खेड़ा इज इन महाराष्ट्र, जहाँ पे सारंग खेड़ा चेतक फेस्टिवल यानी कि वहाँ पे एनुअल हॉर्स ट्रेडिंग फेयर होता है, विच इज नेम्ड आफ्टर महाराणा प्रताप फेवरेट हॉर्स. जो महाराणा प्रताप का फेवरेट हॉर्स था, उसका नाम भी चेतक था, उसी के ऊपर ये सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेट किया जाता है. सो दिस इज द लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल जरूर याद रखेगा इसको. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे पूरे हॉर्स दिख रहे होंगे. देन चाइना और यूएसए का वॉर हमने देखा था कि किस तरीके से हुआबी कंपनी के उन्होंने CFO को अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद चाइना ने उसके रिटेलिएशन किया और एप्पल को और इन सब चीज़ों का वहाँ पे सेल घट गया. ये सारी चीज़ें हो रही है. तो ये एक तरीके से पहले तो ट्रेड वॉर हुआ, नाउ दे आर फाइटिंग हाईटेक गोरिल्ला वॉर विद द यूएसए. ओके, तो अब हाईटेक गोरिल्ला वॉर शुरू हो गया जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है. ओके, और 5G में जो चाइना ने ग्रोथ की है उससे चिढ़ के अमेरिका ने ये सारी चीज़ें की थी. तो 5G में जो उनकी ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया था हावी ने, जिसके कारण कि अमेरिका खुश नहीं था, और इसके कारण उन्होंने वहां के CFO को भी अरेस्ट करवा लिया और बाकी सारी चीजें जो थी. ओके, सो बिटकॉइंस के बारे में और डार्कनेट के बारे में दिया गया है. उसके पहले यहाँ पे WEF के बारे में देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. लेट मी टेल यू द फैक्ट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फर्स्ट. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बेस्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर, इट इज बेस्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड एंड इट इज नॉट अ प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन. इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, सेटअप इन 1971. याद रखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, सेटअप इन 1971. द मिशन ऑफ द फोरम इज टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बाई एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप द ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज. तो जो मिशन है वो फोरम का ये है कि जो वर्ल्ड की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने का है बाय एंगेजिंग द बिजनेस, पॉलिटिकल एंड एकेडमिक लीडर्स. तो बिजनेस लीडर्स भी आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, एकेडमिक लीडर्स भी आते हैं, जो कि सोसाइटी को शेप करने की बात करते हैं, ग्लोबल एजेंडाज बनाने की बात करते हैं, ताकि जो वर्ल्ड हो वो एक और अच्छा प्लेस हो, सोसाइटल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. ये सारी चीज़ों के लिए एक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिनेवा बेस्ड है, स्विट्जरलैंड में है, एंड इट ऑल्सो रिलीजेज अ रिपोर्ट नेम्ड एज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट. तो ये रिलीज करता है रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, और डेवोस में ज़्यादा इसकी मीटिंग होती है. तो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. यहाँ पे अब बिटकॉइन वॉल्यूम्स ऑन डार्कनेट मार्केट डबल्ड इन 2018, नाम दिख रहा होगा. तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल कैश का काम करती है. बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी फॉर्मिंग डिजिटल कैश एंड इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी. याद रखिएगा, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल बैंक या सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, देयरफॉर इट इज डिसेंट्रलाइज्ड. ये टर्म जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ चुका है. ये क्रिप्टो करेंसी डिजिटल कैश है एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है
without any central bank or single administrator. Now it is used for sending money from user to user and peer to peer Bitcoin network without any need of intermediaries. इसमें कोई need नहीं होती intermediaries की, पैसा जाता है. Now darknet क्या है? Darknet is an umbrella term for describing that portion of internet where illegal activities take place. जो illegal activities होती है internet में वो darknet कहलाती है. तो it's an umbrella term for describing that portion of internet जहाँ पे illegal activities take place. Okay? And it is also considered as a part of the deep web. So deep web का part माना जाता है. Darknet क्या हो गया? वो portion internet का जहाँ पे illegal activities number 2 का धंधा होता है. Okay? So these are the things which you should remember. That is it for the day. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.